आटा गूंद रहा था दोस्तों। आज लग रहा होगा आपको कि हम आए किसी बार में। बना दीजिए कॉकटेल। बिल्कुल आ जाइए। साथ में यहाँ पे आपको वॉशिंग एरिया मिल जाता है, वॉश बेसिन ही होता है ना दोस्तों। आज मैं ले आपके लिए अल्ट्रा लग्जरियस फ्लैट, वो भी 3 BHK का, अपने भाई और बहनों के स्पेशली डिमांड में ले आया हूं कम प्राइस में। इंटीरियर का काम आप देख सकते हैं कितना शानदार आपको इस फ्लैट के अंदर मिलने वाला है। अमेजिंग इंटीरियर मिलने वाला है, फ्लैट का साइज आपको काफी शानदार मिलने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे इसके स्पेस की। स्पेस आपको मिलता है 90 स्क्वायर यार्ड का। ईच रूम का साइज आपको 10x11 का मिल जाता है। मास्टर बेडरूम का साइज काफी शानदार तरीके से निकाला गया है। इंटीरियर काम तो मैं आपको क्या बताऊं, क्या अमेजिंग काम इसमें हम आपको करवा के दे रहे हैं, आप खुद देखिएगा, आपको मजा आ जाने वाला है। प्राइस इसका काफी कम रहने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, उसके बीच में मैं इसका प्राइस भी डिस्क्लोज करने वाला हूं। तो दोस्तों इस फ्लैट से आपको वाटर कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दोनों आपको मिल जाते हैं। और दोस्तों इसी के साथ हम आपको देने वाले हैं इसमें कुछ एक स्पेशल गिफ्ट, तो वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो के बीच में आपको ये गिफ्ट भी मिलने वाला है। चलिए दोस्तों आपका टाइम ज्यादा ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करना चाहूंगा इसके किचन से, क्योंकि किचन का काम आपको इसमें इतना अमेजिंग दिया जा रहा है, मैम को किचन देखते ही पसंद आने वाली है। इसका एक बड़ी लुक दिखाइए किचन की, कैसा इंटीरियर का काम इसमें आपको करवा के दिया रहा है। स्टार्टिंग एरिया दिखाइए आपको किस तरीके से यहाँ पे आपको पार्टीशन दिया गया, शॉपिंग एरिया मिल जाता है ऊपर, इसको आप एज अ बार भी यूज कर सकते हैं। मैम को साथ मिल जाते हैं यहाँ पे सिंक, यहाँ पे मैम अपने बर्तन वगैरह धो सकते हैं। रेफ्रिजरेटर का स्पेस सेपरेट आपको दिया गया है, स्पेस को प्रॉपरली यूटिलाइज किया गया है। इंटीरियर का काम तो आप देख ही रहे हैं कितना शानदार इसमें आपको मिल जाता है। एंड यहाँ पे आप चिमनी देख सकते हैं, वेंटिलेशन चिमनी भी आपको दी गई है जो कि आपकी हाथों से ही काम करने वाली है। साथ में स्पेस दिखाना चाहूंगा, काफी शानदार स्पेस आपको अंदर मिल जाता है। लाइटिंग प्रॉपर अंदर आपको दी जा रही है, ऊपर प्रॉपर प्रोफाइल लाइट का यूज भी किया गया है। स्पेस आपको स्पेस की कोई कमी नहीं होने वाली, पूरी किचन के अंदर पार्टीशन काफी खूबसूरत तरीके से दिए गए हैं। साथ में हम यहाँ पे ओवन का स्पेस बना सकते हैं, स्विचेस आपको ऑलरेडी दे दिए गए हैं, आरओ यहाँ पे आपका प्लेस हो जाता है। सेंटर का काम आपको सारा ब्रांडेड करवा के आपको दिया जा रहा है। यहाँ पे आरओ के लिए आपको टैप भी दे दिया गया है। यहाँ पे आपको सिंक मिक्सचर मिल जाता है, जहाँ पे आपको गर्म ठंडे पानी का दोनों का प्रोविजन मिलने वाला है। तो ओवरऑल किचन का साइज दिखाइए, काफी शानदार मिल जाता है, 3 to 4 लेडीज इजिली यहाँ पे काम कर सकते हैं। काफी सुंदर तरीके से आप देखिए पार्टीशन आपको किचन में दिया गया, जहाँ आपको लिविंग हॉल से पार्टीशन जो आपको दिखाया जाता है। साथ में आपको यहाँ पे डेकोरेटिव आइटम लगाने के लिए स्पेस भी दिया गया, आप किचन की डेकोरेटिव आइटम कोई लगा सकते हैं। ऊपर लैंप इतने खूबसूरत तरीके से लगा के दिया रहा है, यहाँ भी आपको ऊपर काफी गोल्डन की थीम में आपको लैंप लगा के दिया जा रहा है। तो ये थी हमारी किचन, मैम का किचन से बाहर आने का मन नहीं करने वाला, डिलीशियस फूड आपको बहुत ज्यादा ही मिलने वाले हैं, हमें भी बुलाइएगा जब बनेंगे। चलिए दोस्तों आ गए इसके लिविंग हॉल की तरफ, तो देखिए 7-सीटर सोफा आपको यहाँ पे प्लेस करवा के दिया रहा है। काफी सुंदर तरीके की थीम हमने रखी गई है। इसी के सामने आपको काफी बिग साइज का टीवी पैनल भी दिया जा रहा है, जो कि ब्लैक एंड ब्राउन के कॉम्बिनेशन में रहने वाला है। पार्टीशन काफी खूबसूरत तरीके से आपको मिल जाता है, प्रोफाइल लाइट का प्रॉपरली यूज किया गया है। यहाँ पे आपको कैबिनेट्स भी दिए गए हैं, जहाँ आप अपना सामान वगैरह प्लेस कर सकते हैं। साथ ही अंदर बार माइक का यूज किया गया है, बिग साइज का 52 इंची का टीवी आप इजीली यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। टाइलों का यूज किया गया, आप देख सकते हैं वॉल में आपको टाइलों का यूज मिल जाता है। हाईलाइटर काफी सुंदर तरीके से यूज किया गया है, ब्रांडेड स्विचेस आपको मिल जाते हैं, नीचे ड्रॉर्स आपको प्रॉपरली दिए गए हैं। तो ऐसा ही खूबसूरत आपको लिविंग हॉल मिलने वाला है। साथ ही साथ इसमें दिखाना चाहूंगा फ्रंट वॉल पे ही आपको टाइल्स एंड लोअर्स का दोनों का यूज किया गया है, काफी सुंदर तरीके से थीम रखी गई है। आप यहाँ पे अगर अपनी सीनरी वगैरह भी लगाते हैं वो काफी सुंदर लगने वाली है, जैसे कि आपको दिखाया गया यहाँ पे एज अ सैंपल। ऊपर आपको यहाँ पे एसी का प्रोविजन ऑलरेडी मिल जाता है। एक बार इसकी फॉल सीलिंग दिखाइए, काफी यूनिक एंड शानदार तरीके से फॉल सीलिंग को तैयार करवा के दिया गया है। फैन के साथ ही आपको लैंप भी ज्वाइंट मिल जाता है। दोस्तों ये था हमारा लिविंग हॉल, अब चलना चाहेंगे इसके मास्टर बेडरूम की तरफ, जो कि काफी सुंदर तरीके से डिजाइन किया गया है। एक बार ये आइए, इसका साइज दिखाइए, लगभग
10x11 का आपको इसका साइज मिल जाता है, काफी शानदार तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। फ्रंट में क्विल्टिंग का काम आपको मिल जाता है, लोअर्स का प्रॉपरली यूज किया गया है। एंड साथ ही साथ आपको दिखाना चाहूंगा बिग साइज के अलमीरा भी आपको मिल जाते हैं ड्रेसिंग के साथ, जहाँ पे मैम को इजीली ड्रेसिंग का भी काम हो सकता है, एज अ स्टडी टेबल भी इसको यूज कर सकते हैं। जो आपको अलमीरा दिखा रहा हूँ उसका स्पेस देख सकते हैं, काफी शानदार आपको मिल जाता है। स्लाइडिंग अलमीरा आपकी रहने वाली है, काफी स्मूथली ये वर्क कर रहा है, तो क्वालिटी वर्क का आप आइडिया लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा कुछ मास्टर बेडरूम का दिखाना चाहूंगा इसका अटैच वॉशरूम का साइज आपको काफी अच्छा मिल जाता है। हालांकि अटैच वॉशरूम का साइज इतने शानदार नहीं निकलता है, बट इसमें हमने काफी स्पेशियस में आपको अटैच वॉशरूम दिया है। आप तो उसका टाइल्स लगा के दे रहे हैं, हैंगिंग वॉलशीट लगा के दे रहे हैं, यहाँ पे आपको पार्टीशन दिए हैं, आप इसको डेकोरेटिव आइटम भी लगा सकते हैं, कोई खूबसूरत चीज भी यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिल जाता है वॉश बेसिन, जहाँ पे आपको डाइवर्टर दिया गया, दोनों का आपको प्रोविजन मिल जाएगा गर्म ठंडे पानी का, साथ में आपको वेंटेस डाइवर्टर यहाँ भी मिल जाता है। शोवर आपको ऊपर प्लेस करवा दिया है, वेंटिलेशन के लिए शार्ट आपको यहाँ पे दी जा रही है, एंड प्रॉपर ओपन एलईडी लाइट का यूज किया गया है। तो दोस्तों वेंटिलेशन रूम की आपको बताना चाहूंगा, दिखाना भी चाहूंगा आपको, बैक साइड और वेंटिलेशन के लिए विंडो मिल जाते हैं बिग साइज की, तो आपकी वेंटिलेशन भी प्रॉपर यहाँ पे मिल जाती है, नीचे लाइट लैंप आपको लगा के दिया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों ये था हमारा मास्टर बेडरूम, किंग साइज का बेड लगने के पास भी आपको आइडिया हो गया होगा कितना स्पेस आपके पास बच जाता है। साथ में दिखाना चाहूंगा मंदिर का स्पेस नहीं निकलता, मंदिर का स्पेस भी हमने यहाँ पे आपके लिए स्पेशली निकाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मंदिर प्लेस कर सकते हैं, ऊपर आप भगवान की मूर्ति वगैरह लगा सकते हैं, जो कि आपका मंदिर काफी खूबसूरत बनाने वाला है आपके लिविंग हॉल को। अब चलेंगे हम इसके सेकंड बेडरूम की ओर, साइज भी आपको काफी शानदार मिल जाता है, काफी बिग साइज का आपको ये बेडरूम मिल जाता है, 6x6 का बेड आपको लगा के दिया जा रहा है। क्विल्टिंग वर्क आपको फ्रंट में मिल जाती है, इसी के सामने टीवी पैनल भी आपको दिया गया, काफी यूनिक तरीके से डिजाइन करवा के। स्टडी टेबल आपको जॉइंट मिल जाता है बच्चों के लिए, आपके घर में छोटे बच्चे होते हैं तो उनके लिए स्टडी टेबल अलग से लेने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही साथ आपको दिखाना चाहूंगा बिग साइज के अलमीरा आपको यहाँ पे मिलने वाली है, स्लाइडिंग डोर अलमीरा हमारी रहने वाली है, ब्लैक ग्लास मिरर का यूज किया गया है इसमें, काफी स्पेशियस भी रहने वाली है, ड्रॉज भी इसमें आपको मिल जाते हैं नीचे, तो प्रॉपरली आपको अलमीरा घर से कोई चीज लाने की जरूरत नहीं है, आपको घर का सामान लाना और यहाँ पे जस्ट प्लेस करना है। तो साथ जब वेंटिलेशन दिखाने जाऊंगा, बैक साइड पे आपको वेंटिलेशन मिल जाती है, विंडो काफी बिग साइज की दी गई है, तो आपके वहां से बालकनी भी मिल जाती है, साथ ही साथ विंडो भी रहने वाली है, विंडो से आप प्लेस कर सकते हैं। चलना चाहेंगे इसके कॉमन वॉशरूम की ओर, कॉमन वॉशरूम का साइज काफी शानदार यहाँ भी मिल जाता है, हैंगिंग वॉलशीट मिल जाती है, बेंडी वॉलशीट आपको लगा के दी जा रही है, साथ ही यहाँ पे आपको डाइवर्टर लगा के दिया जा रहा है, जहाँ पे आपको गर्म ठंडे पानी का दोनों प्रोविजन है, लाइटनिंग मिरर आपको लगा के दिया जा रहा है, यहाँ से आप लाइट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, वॉश बेसिन आपको दिया जा रहा है, एंड इसके टाइल्स आपको मिल जाती है, अप टू रूफ तक यहाँ पे टाइल्स आपको लगा के दी जा रही है, हाइलाइटर का भी प्रॉपरली यूज किया गया है। तो ये था हमारा कॉमन वॉशरूम, चलना चाहेंगे इसके थर्ड एंड लास्ट बेडरूम की तरफ, जो कि आपका बालकनी अटैच रहने वाला है। इसका साइज दिखाना चाहूंगा काफी शानदार, इसका भी साइज आपको मिल जाता है, 6x6 का बेड आपको लगा के दिया जा रहा है, साइड में लोअर्स का यूज किया गया, काफी सुंदर तरीके से आपको थीम रखी गई, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लावर्स काफी सुंदर तरीके से डिजाइन करवा के यहाँ पे लगा के दिए जा रहे हैं। साइड में आपको स्विचेस मिल जाते हैं, तो साइड में चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह आपको चाहिए होते हैं वो भी आपको यहाँ पे फुलफिल हो जाती है। साथ में आपको दिखाना चाहूंगा वेंटिलेशन यहाँ पे आपको शाफ्ट नहीं विंडो दी जा रही है, तो प्रॉपरली यहाँ पे आपको वेंटिलेशन आपके इस रूम की भी रहने वाली है, ऊपर आप विंडो सीट भी प्लेस कर सकते हैं, उसके लिए स्विचेस ऑलरेडी आपको दे दिए गए हैं, यूनिक फॉल सीलिंग भी आपको यहाँ मिल जाती है। चलना चाहेंगे इसकी बालकनी की ओर, बालकनी का साइज काफी शानदार आपको मिल जाता है, काफी बिग साइज की बालकनी यहाँ पे दी जा रही है, मशीन का स्पेस सेपरेट निकाला गया, ड्रेनेज का एरिया आपको प्रॉपरली दे दिया गया, अब तो रूप तक टाइल्स भी लगा के दी जा रही है, एसीपी शीट का फ्रंट में काम किया गया, आप देख सकते हैं ऊपर आपको एसीपी शीट का काम मिल जाता है, लाइटिंग प्रॉपर आपको यहाँ पे मिल जाती है, एसएस की ग्रिल मिल जाती है, साथ ही साथ आपको ग्लास का काम करवा के दिया जा रहा है। अब चलना चाहेंगे इसके लिविंग हॉल की तरफ, दोस्तों वीडियो का एंड भी मैं आपके किचन के साथ ही करना चाहूंगा, क्योंकि फुल्ली मॉड्यूलर आपको किचन मिल जाती है, फुल्ली फुल्ली स्लैब भी आपको मिलने वाला है, ईच रूम का साइज आपको काफी स्पेशियस मिलने वाला है, कार पार्किंग प्लस लिफ्ट आपको स्लैट के साथ मिल जाती है, फ्रंट डोर आपको 25 दोस्तों मेन रोड से बात करते तो ये करीब 600 से 700 मीटर दूरी पर रहने वाला है, मेट्रो से भी आपको नियर मिल जाता है, तो अगर आप ढूंढ रहे कुछ ऐसे ही फ्लैट लग्जरियस फ्लैट वो भी कम बजट में, तो आप आए बिल्कुल सही जगह पे, सजे ऐसे ही आपके लिए फ्लैट लाता रहता है, तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा इस फ्लैट का जो प्राइस रहने वाला है वो काफी अमेजिंग है, तो इस फ्लैट का साइज ओनली रहने वाला है 45 लाख रुपीज़। जी हाँ दोस्तों 45 लाख रुपीज़ में आपको ये फ्लैट दिया जा रहा है, फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट की आपको कॉस्टिंग बताई गई है, तो जल्दी आइए बुक कराइए, नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कीजिए, मिलते हैं ऐसे एक और अच्छे फ्लैट से, तब तक ले दोस्तों टेक केयर।